अरे बड़ी खबर मेरठ से आ रही, जहां पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान आया है। संजीव बालियान से नाराज हैं लोग, ये कहना है संगीत सोम का। मुजफ्फरनगर में जनता नाराज है, संगीत सोम ने यह भी कहा। संजीव बालियान जातिवादी बातें करते हैं, लोगों को जातियों में बांटना ठीक नहीं है। ठाकुर, गुर्जर, सैनी पंचायत कर बहिष्कार कर रहे हैं, ये बयान दिया है संगीत सोम ने। चर्चा का विषय मुजफ्फरनगर सीट भी है, जहां संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच कुछ खटास जैसा नजर आता है। हमारे साथ खुद संगीत सोम इस मुद्दे पर बात करने के लिए, ये बताएं कुछ खटास है मन में? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो खट्टी गोली भी नहीं खाता कभी, तो खटास मुझे कहां से होगी? कोई खटास नहीं है अपने शो। संजीव बालियान आपको शिखंडी कह रहे हैं, तो संजीव बालियान से पूछिए क्यों कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए जा रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री आए मनाने के लिए ठाकुरों को, लेकिन ठाकुर वहां उन्हें छोड़कर आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वजह क्या है? मतलब क्या ठाकुर समाज नाराज है संजीव बालियान से? अब ये तो संजीव बालियान से आपको पूछना चाहिए कि आपसे क्यों है नाराज। 10 साल से आप सांसद हैं, 10 साल से मंत्री हैं, आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपसे सब लोग नाराज हैं? केवल ठाकुर क्यों, जो गुर्जर समाज के लोग हैं पंचायत करके बहिष्कार कर रहे हैं वो किससे नाराज हैं? जो पंडित समाज के लोग पंचायत करके बहिष्कार कर रहे हैं वो किससे नाराज हैं? सैनी समाज जो हमारा मूल वोटर होता है, हमारा प्रजापत मूल वोटर होता है, वो नाराज है? तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना आपको, आपसे सारी जातियाँ नाराज क्यों है, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े एनालिस्ट में से आप हैं, आपको लगता है कि जो 400 पार का जो नारा है और यूपी में 80 के 80 वाला जो नारा है, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि पहले चरण में है, क्या ये मैसेज फ्लोट होगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि पश्चिम की सारी सीटें बीजेपी जीत जाए? हिंदुस्तान में 400 पार करेगी, हर हालत में 400 पार होगी, वो किसी से रुक नहीं पाएगी। पश्चिम के लिए आपका एनालिसिस क्या? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में 400 पार करेगी। कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित भाई शाह जी का, कि जिस प्रकार से मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा किया है, तो मैं उनको निराश नहीं करने वाला हूँ। रही बात संकल्प की, जो माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी है वही सबसे मजबूत गारंटी है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना को जन जन तक पहुँचाऊंगा। अच्छा, टिकट मिलने में इतनी देर क्यों हुई? विपक्ष लगातार इस बात की यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट कट रहा है या मछली सर भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग थे और क्या पार्टी से भी कुछ इस तरह के लोग थे जो विरोध कर रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन है, ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और जब बात संगठन की होगी और बात कार्यकर्ताओं की होगी तो चिंतन होता है। लेकिन आप सोचिए, हमारे यहाँ चिंतन और मंथन के बाद, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश याद रखा जाता है, वैसे ही चिंतन मंथन के बाद मेरी हैट्रिक को लोग याद रखेंगे। तो क्या लगता है कि अमृत काल में आपको टिकट मिला है और आप हैट्रिक लगाएंगे और जीत का अंतर इस बार कितना होगा, क्योंकि हर बार आपका जीत का अंतर बढ़ता रहा है? देखिए, इस बार जिस प्रकार से कुंडा बाबा गज में कार्यकर्ताओं ने 500 गाड़ियों से रिसीव किया है, स्वागत किया है और उन्होंने इनाना दिया है, तीसरी बार 3 लाख पार। उधर बदायूं से बीजेपी की प्रत्याशी दुर्ग विजय सिंह शाक ने नामांकन का पहला सेट दाखिल कर दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग विजय सिंह शाक ने नामांकन का पहला सेट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि आज मुहूर्त के हिसाब से नामांकन कराया है, 18 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष के साथ नामांकन कराएंगे। मुहूर्त के हिसाब से किया है, वैसे मैं 18 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ अपना अलग साइड दाखिल करूंगा। आज भी एक साइड आदरणीय हमारे प्रेमचंद पाठक जी के साथ में दाखिल। ये देखिए, शिवपाल जी लगातार कह रहे हैं कि वो संगमित्रा उनका चुनाव लड़ेंगी, उनका टिकट भी मैनपुरी से नहीं हुआ, क्या कहना है इस बारे में? पहले अपनी घर की लड़ाई तय कर लें कि वो लड़ेंगे या उनका बेटा लड़ेगा, उनका दोनों का होगा भी कि नहीं होगा। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।